देखिए एमिटर किसे कहते हैं, तो आंसर है एमिटर एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, सर्किट में करंट के अमाउंट को मेजर करना होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज हाउ मच, वो क्वांटिटी जो हमें बताती है कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना है, तो वो जो डिवाइस है उस डिवाइस को हम कहते हैं एमिटर। तो एमिटर इज अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा नाम आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, तो आंसर है वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उस डिवाइस को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब ये जो पोटेंशियल जो हमारा वोल्ट मीटर होता है और जो हमारा एमिटर होता है, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहले उन डिफरेंसेस को समझते हैं, फिर ये वोल्ट मीटर और ये एमिटर कैसे बनाए जाते हैं गैल्वेनोमीटर से, उसको समझते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, वोल्ट मीटर और एमिटर की, तो यहां पर लिखते हैं एमिटर। और दूसरा हमारे पास वोल्ट मीटर। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, एमिटर क्या है, इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये वोल्ट मीटर क्या करता है भाई, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नंबर दूसरा, ये बात समझ में आती है। नंबर दूसरा देखिए, ये जो एमिटर होता है ये हमारा एक सर्किट है, थोड़ा ध्यान से देखना जी। ये एमिटर है, ये सर्किट है, इस सर्किट में जो एमिटर को हम कैसे अरेंज करते हैं, आंसर है सीरीज में लगाते हैं। तो एमिटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द सर्किट। कोई बता सकता है क्यों एमिटर को हम सीरीज में क्यों लगाते हैं? वो इसलिए क्योंकि सीरीज में, तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, तो एमिटर उस सारे करंट को आसानी से मेजर कर लेता है। तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और जो वोल्ट मीटर होता है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होते हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, मुझे इन दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नापना है ए और बी, तो वोल्ट मीटर को हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, पैरलर में। क्योंकि पैरलर में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरी और एक अहम बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ से कुछ करंट पास कर रहा हूँ, मान लो हमारा यहाँ पे वोल्टेज है, बैटरी है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो सपोज टू भी कितना है, 100 वोल्ट है। कितना? 100 वोल्ट। अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा है, मान लो ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, कितना है 10 ओम का, तो अगर मुझे सर्किट में करंट की कैलकुलेशन करनी हो तो करंट कितना आता है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, तो V कितना है 100, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो मुझे इस पूरी ब्रांच में करंट कितना मिलेगा, 10 एम्पियर। अब इस 10 एम्पियर को हम इस एमीटर की हेल्प से मेजर करना चाहते हैं, इस एमीटर की हेल्प से मेजर करना चाहते हैं। लेकिन एमिटर की बात ये होती है कि एमिटर खुद एक गैल्वेनोमीटर से बना होता है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कोयल यूज करते हैं हम, रेक्टेंगुलर कोयल, उस कोयल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब जो एमिटर होता है उस एमिटर के अंदर एक कोयल होती है, उस कोयल का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो अगर वो इस एमिटर को मैं यहाँ बीच में कनेक्ट कर दूँ इसके साथ, तो इस एमिटर का इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। मान लो हमने बहुत थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम का है, कितना, 1 ओम का। तो अब मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 11 ओम, फिर 10 ओम इसका हो गया और 1 ओम इस एमिटर का भी हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 11 ओम। तो मैं अगर फिर से मैं करंट की वैल्यू निकालूं, तो वोल्टेज कितना था मेरा 100 और रेजिस्टेंस कितना हो गया 11, तो लगभग कितना आ गया, 9.1 आता है लगभग, 9 एम्पियर करंट नाप के देगा। तो अगर मैं एक एमिटर यहाँ लगा दूं और मैं इस 10 एम्पियर करंट को नापने जाऊं, तो यह एमिटर मुझे कितना करंट नाप के देगा, हमेशा 9 एम्पियर नाप के देगा। नहीं है बेटा समझे, क्योंकि इस एमिटर का खुद का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो इस सीरीज में इसके साथ जुड़ के उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके करंट को कम कर देता है। तो बिना एमिटर लगाए हमारे करंट की वैल्यू 10 एम्पियर थी, एमिटर लगाते हैं तो वो 9 एम्पियर नाप के देता है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो 10 नाप के दे या 9 नाप के दे,
दस नाप के दे, दस नापने के लिए हम क्या चाहते हैं कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, कम हो, कितना, लगभग जीरो हो जाए। तो अगर हम इस एमीटर के रेजिस्टेंस को लगभग नेग्लिजिबल कर दें तो हम क्या देखते हैं कि फुल करंट पासिस थ्रू एमीटर। इसका रेजिस्टेंस हमें कैसा चाहिए, एमीटर का नेग्लिजिबल। अगर मैं इसका करंट को, इसके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दूं तो इसमें मुझे कितना करंट मिलेगा, फुल 10 एम्पीयर तो मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, जिससे कि फुल करंट किसमें पास हो, इस एमीटर में पास हो। तो अगर मैं दूसरी बात यहां पर करूं इसमें, तो ये होती है कि भाई वी नीड फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर फुल करंट डिफ्लेक्शन वी नीड द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर शुड बी लो, कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए एज पॉसिबल, कम से कम होना चाहिए कि फुल करंट इसमें पास हो। इसमें आना, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। मान लो हमने यहां पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, और मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है समझे। या मान लो करंट इसमें फ्लो हो रहा है कितना, 10 एम्पियर का, कितना, 10 एम्पियर। ये वोल्ट मीटर अगर इसमें नहीं कनेक्ट हो तो आप मुझे बता सकते हो ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी इज इक्वल टू आई आर, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10, रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 100 वोल्ट। कोई दिक्कत? अब हमने क्या करा, इसके साथ एक वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब हम इस वोल्ट मीटर की हेल्प से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों के बीच का 100 वोल्ट का, इसे मेजर करना चाहते हैं। तो हमने जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर लगाते के साथ यहाँ पर एक जंक्शन बन गया। तो जो करंट यहाँ से 10 एम्पियर का जा रहा था, उसमें से एक करंट इस वाले वोल्ट मीटर की ब्रांच में चला जाएगा, एक करंट किस में जाएगा, रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में जाएगा। मान लो इस वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में बहुत थोड़ा सा करंट चला गया, कितना, 1 एम्पियर, तो बचा हुआ 9 एम्पियर किस में जाएगा, रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में। तो ये मुझे अब न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना नाप के देगा वोल्ट मीटर, तो आंसर है आई इंटू आर। तो करंट कितना है इसमें, 9, रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो कितना नाप के देगा, 90 वोल्ट नाप के देगा। नहीं है बात समझ में? तो ये वोल्ट मीटर मुझे एक्यूरेट वोल्टेज नाप के दे रहा है या एक्यूरेट वोल्टेज नहीं नाप के दे रहा? तो हम क्या चाहते हैं कि एक्यूरेट नापे या ना नापे, नापे। तो ऐसा नापने के लिए हम क्या चाहते हैं कि इस वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में करंट जाए या ना जाए, नहीं जाए। तो इस वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में करंट कब नहीं जा सकता, आंसर है तब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वोल्ट मीटर का हम रेजिस्टेंस कैसे चाहते हैं, बहुत ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, लेकिन इस वोल्ट मीटर को खुद अपने ऑपरेशन के लिए कुछ करंट की जरूरत होती है, क्योंकि उस वोल्ट मीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर की कोयल होती है, उस कोयल को रोटेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करंट चाहिए। तो वो बहुत, लेकिन करंट चाहिए, लेकिन बहुत मिनिमम चाहिए। तो उस मिनिमम के लिए क्या चाहिए हमें, इसका रेजिस्टेंस कैसा चाहिए, हाई। अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस हाई कर दूंगा तो इस वाले वोल्टमीटर वाली ब्रांच में तो करंट कम जाएगा, लेकिन जब ये एमीटर लगाता है तो इस वाली ब्रांच में हम कैसा चाहते हैं, ज्यादा। तो जब एमीटर लगा होता है तो हम चाहते हैं एमीटर में फुल करंट पास हो, कैसा हो, फुल करंट। लेकिन इस वोल्टमीटर में हम क्या चाहते हैं, करंट फुल पास ना हो, और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई। हम क्या चाहते हैं, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो, इसका रेजिस्टेंस हाई चाहिए। तो अगर मान लो हमने इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, बढ़ा के इतना कर दिया कि इसमें करंट अब कितना जा रहा है, 0.1 एम्पियर, तो इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा, 9.9, तो 9.9 × 10 कितना नाप कर देगा, 99 वोल्ट नाप कर देगा। तो क्या अभी भी इसने मुझे एक्यूरेट नापा, नहीं नापा, लेकिन पहले से सही नाप कर दिया। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई भाई, कि अगर मैं तुम्हें इन दोनों में से एक ऑप्शन दूं, दोनों में से ऑप्शन दूं कि दोनों में से कौन सी बेटर डिवाइस है अपने मेजरमेंट के लिए, तो आप बता सकते हो कौन सी बेटर मेजरमेंट के लिए, कौन सी डिवाइस बेटर है। तो आंसर है एमीटर ज्यादा बेहतर है, एमीटर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एमीटर के अंदर हमने क्या करा, इसके अगर मैं रेजिस्टेंस को कितना कर दूं, लगभग नेग्लिजिबल भी कर दूं, बहुत ना के बराबर भी कर दूं, तो जो करंट लगभग यहां से पास हो रहा था उतने तो करंट इसमें जाएगा। तो क्यों, और इसे ऑपरेट करने के लिए करंट तो चाहिए चाहिए, तो इसे अलग से कोई करंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे अलग से करंट देने की जरूरत है, समझाएगा। अब एक अगली बात सुन, इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें डिफरेंस में यहां पे, तो फर्स्ट इज द डिफरेंस कि रेजिस्टेंस कैसा चाहिए, वी, यस, नो करंट पासिस थ्रू द वोल्ट मीटर
और ये तो है। सो रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए इसका? शुड बी हाई। इतनी बात समझ में आती है? रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एक चौथी बात सुन, एक आइडियल एमिटर हम किसे कहते हैं? आइडियल एमिटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है? नेग्लिजिबल होता है और पूरे ही करंट उसमें से पास होता है। तो ध्यान रखना, आइडियल एमिटर आर दोज एमिटर हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इज नेग्लिजिबल, सपोज टू बी जीरो। फॉर आइडियल एमिटर रेजिस्टेंस जो होना चाहिए किसका? एमिटर का, वो कितना होना चाहिए भाई साहब? लगभग जीरो होना चाहिए, लगभग जीरो होना चाहिए, जीरो का भी होता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? आइडियल एमिटर। इसी तरह से ये आ जाइए इसमें नंबर तीसरा, तो हो गया नंबर फोर्थ। आइडियल वोल्टमीटर किसे कहते हैं? जिसमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। रेजिस्टेंस फॉर आइडियल वोल्टमीटर और कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट। एक नई चीज और मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, प्रूफ करके। नंबर पांचवी बात आ रहा है, तो नंबर फिफ्थ, इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि एमिटर की रेंज को, एमिटर की रेंज को हम बढ़ा तो सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेंज ऑफ एमिटर इज इंक्रीज बट नॉट डिक्रीज। क्यों? अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पांचवा, इसमें क्या होता है, इसकी वोल्टमीटर की रेंज को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों हो सकती है।